जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रखर हो, जनता के लिए प्रखर हो और राष्ट्र सर्वोपरि रखता हो, देश हित में काम करता हो, वो व्यक्ति को आना ही चाहिए। जिसमें ये काबिलियत है वो केवल मोदी साहब ही हैं। आने वाला जो वक्त है वो भी मोदी जी का ही होगा, क्योंकि राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी साहब जो कर रहे हैं उसमें राष्ट्र का ही भला है। चोर है तो पकड़ा जाएगा, सही है तो कानून उसको बाइज्जत बरी कर देगा। ज़्यादातर गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी का सवाल है, वो राजनीति में अपरिपक्व हैं। भाई अखिलेश जी के क्या बात कर रहे हैं, वो अपने पिताजी का नहीं हुए, अपने चाचा का नहीं हुए तो हमारा और आपके कैसे हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जिस तरीके से कभी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर होती है, उसी प्रकार कभी विपक्ष जो है वो बीजेपी पर हमलावर होती है। 2024 में जहां बीजेपी अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जहां पीएम मोदी ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए कामों को बताएं, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं जनता की राय। चाचा, अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव पास में ही है और जिस तरीके से हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी आप देखें मेगा प्लान साथ चल रही है, वो आए दिन बैठक करना, संगठनात्मक उनकी संगठनात्मक बैठक होती है, तो आपको लगता है विपक्ष कुछ कर पाएगा इसमें या बीजेपी एक बार फिर से मोदी आएंगे, तीसरी बार वो सत्ताधारी बनेंगे? बिल्कुल मोदी ही सत्तासीन होंगे। और महंगाई का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है और देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वक्त बदलता है, साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आने वाला जो वक्त है वो भी मोदी जी का ही होगा, क्योंकि राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी साहब जो कर रहे हैं उसमें राष्ट्र का ही भला है, व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना उनका नहीं है। इसलिए मेरा तो यही कहना होगा कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रखर हो, जनता के लिए प्रखर हो और राष्ट्र सर्वोपरि रखता हो, देश हित में काम करता हो, वो व्यक्ति को आना ही चाहिए। जिसमें ये काबिलियत है वो केवल मोदी साहब ही हैं। और जहाँ तक महंगाई का ढोल पीटा जा रहा है, महंगाई के साथ लोगों की सैलरी भी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। हम कभी 600 रुपया तनख्वाह लेते थे, आप 50,000 रुपये सैलरी लेते हैं, उसी आधार पर आपका महंगाई का भी रेट है। आप लोग सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर बड़ा है तो उसके आधार पर पैसा भी है बड़ा हुआ है। यह है कि गरीब तबका जो है, जो पहले भी गरीब था आज भी गरीब है, और सोचता हूँ वो गरीबी से कब निकल पाएगा उसका कोई पता नहीं है। देखो उस कार्य विशेष के लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आए दिन राहुल गांधी अपने कोई ना कोई बयानों में फंस जाते हैं वो, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं मोदी के ऊपर या बीजेपी पार्टी के ऊपर। अभी आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बीजेपी किसी एक पार्टी विशेष के लिए चलती है और वो जिस पार्टी के रहते हैं उस पार्टी के ऊपर दूसरे के ऊपर वो FIR करवाते हैं। आपको लगता है कि मोदी या बीजेपी ऐसा कुछ करती विपक्ष दबाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर मैं गुनाहगार हूँ, छोटा या बड़ा किसी भी लेवल का, तो अगर मेरे ऊपर अगर एक्शन होता है तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चोर है तो पकड़ा जाएगा, सही है तो कानून उसको बाइज्जत बरी कर देगा। ज़्यादातर गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी का सवाल है, वो राजनीति में अपरिपक्व हैं। वो जो बापदादाओं से विरासत चली आ रही है उसी को कैश कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी राजनीतिक क्षेत्र में उनका इतना बड़ा कोई प्रखर पकड़ भी नहीं है और ना ही इतनी वाकपटुता है। सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाना या दूसरे आरोप लगाना ही काम है, क्योंकि आज वो सत्ता में नहीं है। इसलिए सब भैया क्या कहते हैं आप, 24 लोकसभा चुनाव में मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? और जो ये सब हैं जो विपक्ष बोल रहे हैं, तो विपक्ष के तो बोलना काम है, वो तो बोलेंगे, उनकी दुकानदारी ही बंद हो गया है। भैया जिनकी दुकानदारी बंद होगा वो तो कुत्ते की तरह भौंकेंगे, इसमें कहने वाली क्या बात है। अरे अभी तो मोदी जी से परेशान है, अभी फिर गाय वाला आएंगे तो क्या होगा। अच्छा, गाय वाले आप कहेंगे, आए दिन लगातार अखिलेश यादव कोई ना कोई फोटो पोस्ट करते रहते, जिस तरीके से बैल या गाय सड़कों पर चलते रहते, लोगों को एक्सीडेंट होता है, उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई अखिलेश जी के क्या बात कर रहे हैं, वो अपने पिताजी का नहीं हुए, अपने चाचा का नहीं हुए तो हमारा और आपके कैसे हो जाएंगे। चाचा तो बड़ा सम्मान करते हैं, वो मीडिया वालों ने भी दिखाया, हर सभा में उनका जाके पैर छूते हैं वो इसलिए अब दिखावा है कि जब जनता जब जूता मारा तब वो जाके चाचा के पास पहुँच गए।
तो चाचा भी उनके साथ है, उनके चाचा खुद ही कहते हैं 50 से प्लस सीटें जीतेंगे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अब जल्दी आ रहा है, साल भर के बाद देख लीजिएगा वो 50 पे आते हैं कि 5 पे आते हैं या 0 पे आउट होते हैं, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, निकाय चुनाव के पास आप किस नज़र से इसको देखते हैं, निकाय चुनाव को? ये तो क्लियर है जो ऊपर बैठे हैं उन्हीं का निकाय चुनाव होता है, जिला परिषद जो अभी होना है वो तो होना है, बीजेपी के उनका बहुमत आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरीके से भैया कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुमत आएगी, चाचा भी कह रहे हैं जो राष्ट्रीय काम करेगा उसको जिताएंगे और मोदी फिर से आएंगे, आपको लगता है कुछ ऐसा या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल सत्य है, जो आज की डेट में इतने हाईवे फ्लाई ओवर वगैरह वगैरह, आज हम रोडों में चलते हैं कि गाँव जाना है, देखते हैं यार यहाँ पर फ्लाई ओवर बन रहा है, रोड इधर उधर जा रही है, दो दिन बाद फिर दोबारा जाते हैं, पता चलता है कि हाईवे बन के जो है पहुंच चुका है। तो इतनी तेज़ी से हाईवे बनना, मैं मोहनगर का फ्लाईओवर है उसको मैंने 8-10 साल तक देखा बनते हुए, जब अखिलेश यादव मायावती उनकी सरकार रही है, और आज की डेट में बड़े से बड़े फ्लाईओवर कितने भी लंबे हों उनको दिन या घंटों में वो बन के जा रहे हैं। तो देश में प्रगति तो है, मानना गरीबी है, गरीबी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही जो मर रहा हो कोई, हर किसी को खाने पीने का सब कुछ है और पहले से बेटर है। पहले इतने हमारे बीच में कुछ और लोग हम बात करेंगे, विपक्ष लगातार कहता रहता है कि जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार उतना ही है, कानून व्यवस्था की चरमराई हुई है। सर एक्चुअली में मैं देखा जाए तो भ्रष्टाचार और महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं, आप इंडेक्स देख लीजिए, महंगाई का इंडेक्स देख लीजिए, तो पिछले 10-15 साल में महंगाई जिस तरह हिसाब से लोगों की ग्रोथ इनकम भी बढ़ी, ग्रोथ भी बढ़ी है, देश भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं नहीं मानता ये महंगाई या भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो मैं देख रहा था कम हुआ है, क्योंकि इससे पहले कितने सारे एलिगेशन भ्रष्टाचार के लगे थे, इस सरकार में देखो 8 साल मोदी जी को भी आए हो गए, कोई इनके ऊपर कोई एलिगेशन भ्रष्टाचार का आज तक नहीं लगा, ना कोई कोई प्रूफ कर पाया, ना ये सरकार अगर भ्रष्टाचार करती तो विपक्ष कुछ ना कहीं आवाज़ उठाता, अभी विपक्ष जो है अनावश्यक बातें कर रहा है, जैसे राहुल गांधी जरूरी बिना मतलब के, राहुल गांधी हो गया, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे केजरीवाल जी हो गए, ये गलत राजनीति कर रहे हैं, देश इससे थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री मांगी थी, उसके चलते उनसे उनको गुजरात के 25,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ा है भैया, ये किस नज़र से देखते हैं आप जुर्माना? उनके केजरीवाल जी का मानसिकता थे सेकंड पार्ट, तो क्या अगर मोदी जी अपने दिखा दे डिग्री से कुछ हो जाता? अरे मोदी जी से क्यों मांग रहे हो भैया, वेबसाइट पे जाओ ना, ले लो ना, ये तो सिंपल सा है, आजकल 8वीं क्लास के बच्चा वो जाएगा वो ले आएगा। देश की संवैधानिक दृष्टि में कहीं यह किसी नहीं कि ये मैंडेट नहीं है कि वो बंदा उस डिग्री का है तो वही डिजर्व करेगा, ऐसा हमारा कहीं लिखा हुआ। केजरीवाल जी तो एक दोस्त की भावना में है, क्योंकि केजरीवाल जी को लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा योग्य हूँ इसलिए डिग्री की बात कर रहे हैं वो, जबकि मोदी जी के अंदर क्या योग्यता है आज पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए उसकी डिग्री का कोई सवाल ही नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है लोगों को अंदर एक भ्रम फैलाने का। अच्छा, लगातार विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है, अभी देखिए आप दिल्ली में पोस्टर भी लगे कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? अरे भैया ये कहाँ लिखा हुआ है कि काबिलियत होना चाहिए, आपके अंदर अगर काबिलियत है तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं आने वाले समय में? जो अभी हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो राजनीतिक नहीं जानते थे और ना कभी राजनीति किए थे, क्या राष्ट्रपति बने ना और बेस्ट राष्ट्रपति बने, तो ये मायने नहीं रखता कि हम पढ़े लिखे कितना, काबिलियत होनी चाहिए। ज्ञानी जल जी से थे, बहुत से उदाहरण है, ये तो आज वो देखिए सबके दुकानदारी बंद हो गया है इसलिए हाव 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 कर रहे हैं, और हम इतना सिंपल सी बात है, हम लोग उदाहरण देता हूँ, मैं 8वीं फेल हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, हमारे अंदर काबिलियत है तो बन रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे दोस्त हैं सामने साक्षात है, पूछ लीजिए, राइट में और लेफ्ट में दोनों जगह है, फील्ड के मास्टर हूँ, और इतना तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं बोल भी नहीं पाता, मतलब पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आप ज़्यादा बोल पा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अपनी काबिलियत होना चाहिए, चर्चा कहीं और ले गए, ना 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 भैया ना, हमारी शिक्षण हमारा फील्ड जो काम कर रहे हैं मास्टर है भैया, आओ चल। अच्छा, आपने एक किस बी में कहा कि कम पढ़े लिखे इसलिए ज़्यादा बोल पा रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों ऐसा क्यों लगता है? सीखा सब कुछ समझा, तो मतलब जो केजरीवाल कह रहे थे मोदी के बारे में सही है वो? ना ना ना, वो गलत है, वो तो डिग्री की बात ही नहीं कर रहे हैं ना भैया, काबिलियत है उनमें, बिल्कुल ही काबिलियत है। केजरीवाल तो जी अब आने वाला चुनाव में उनको भी हकीकत पता चल जाएगा, उनके अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो जेल के अंदर हैं, तो वो भी कहते हैं कि केवल यहाँ से भयभीत होकर ईडी सीबीआई का वो, तो भैया अगर कोई सिद्ध नहीं है तो आपने जमानत क्यों नहीं ले रहे हैं, जमानत तो कोर्ट से लो। 24 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप? चाचा भी कह रहे थे अभी कि महंगाई कुछ नहीं है और मोदी फिर से आएंगे। महंगाई तो है यार, देखो नो डाउट महंगाई है, और महंगाई का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है,
तो लगता है विपक्ष इसमें कुछ फिर बदल करेगा? विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष तो अपने अपने उसी में पर्सनल इश्यू में अटका पड़ा है। विपक्ष के पास मुद्दा, विपक्ष होता तो यह रिपीट थोड़ी हो रही होती सरकार, तो मेरे को लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा है। तो 24 में किसको देखते हैं आप? नो डाउट मोदी आएंगे। विपक्ष? विपक्ष तो है ही नहीं, कोई विपक्ष है कहाँ? आप दिख रहा है कोई विपक्ष सामने? हर पार्टियाँ सामने आ रही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, सब अपने पर्सनल इशू में अटके पड़े हुए हैं। देश के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा विपक्ष को आ पाएगा। मोदी दोबारा, नो डाउट मोदी आएंगे। ठीक है, तो भैया 24 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप बताएं? नो डाउट, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि मोदी सरकार ही आएगी, तो मुझे भी लगता है कि मोदी सरकार ही आएगी। महंगाई एक मुद्दा है, इस पर मैं चाहूँगा कि सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ गई ना, कि देखिए अभी 2014 में गैस सिलेंडर 450 था और इस समय लगभग 1200 पहुंच गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि महंगाई एक मुद्दा है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक इशू है। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप, किस जगह से, किस जिले से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, देवरिया ज़िले से। देवरिया में कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं? फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है, मोदी सरकार कर रही है, सड़कें वगैरह, बिजली वगैरह तो ये पहले से ही थी, बाकी पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छा है वहाँ पर। सांसद कौन है वहाँ का, देवरिया का? देवरिया के सांसद अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। विधायक कौन आपके क्षेत्र का? ये है सूर्य प्रताप शाही। तो सूर्य प्रताप शाही आप लोगों के बीच में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ नया होता है तो आते रहते हैं। जन समस्याओं की सुनवाई करते हैं सूर्य प्रकाश? हाँ, जन समस्या सुनवाई होती है। लोग संतुष्ट हैं उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे संतुष्ट हैं। बीजेपी पार्टी संतुष्ट है कि मोदी जी संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, अगर वो अभी जो काम कर रहे हैं और जो भी डेवलप हो रहा है गाँव या क्षेत्र में, उससे सारी जनता खुश है और चाहेगी भी कि आगे मोदी सरकार ही आए। बट सभी लोगों का जो मुद्दा मतलब मेन बन रहा है वो महंगाई बन रहा है, कि गैस के काफ़ी दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और भी सारी चीज़ें, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। उस हिसाब से अगर प्राइवेट कर्मचारी है उसकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो क्या कहाँ से मैनेज करें? बिल्कुल आपने कहा। तो भैया भी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं। अच्छा, किस जिले से बिलोंग करते हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में? राजस्थान कांग्रेस सरकार? हाँ जी। आपको लगता है अभी आप यूपी में हैं, यूपी और राजस्थान में कुछ फर्क पड़ता है आपको, कुछ नज़र आता है? बहुत सारी स्कीम है जो राजस्थान यूपी में, बहुत सारा अंतर है। राजस्थान की बेटर सरकार है जो चला रहे हैं वो लोग, हेल्थ स्कीम है उनकी, कुछ जो रोज़गार से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो अच्छी हैं राजस्थान में। यूपी में कोई लगता नहीं कुछ ऐसा कुछ है। यूपी कानून व्यवस्था में और राजस्थान कानून व्यवस्था में कुछ? कानून व्यवस्था तो मैं कंपेयर तो मेरे को राजस्थान की ज़्यादा सही लगती है। राजस्थान के इसलिए राजस्थान ज़्यादा सही लगती है। फिलहाल अभी तो आप नोएडा में, वो यूपी में है, तो आपको कुछ लगता है कि योगी या जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनमें कुछ अंतर? नहीं, वहाँ उनकी विचारधारा में, उनकी सोच में, उनके काम करने के रवैये में? राजस्थान और यूपी में बहुत अंतर है दोनों में। एक यहाँ पे कुछ धर्म से रिलेटेड मुद्दे हैं, गाय से रिलेटेड, वहाँ पे ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं, वहाँ पर रोज़गार और विकास से सारे रिलेटेड मुद्दे हैं उनके। भैया कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो अयोध्या में कुछ विकास हो रहा है कि जैसे पहले था वैसे ही है? हाँ नहीं, विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? सड़कें वड़कें बन रही हैं और मंदिर बन रहा है वहाँ पर। लोगों घर गिरा दिए गए? हाँ हाँ, नहीं घर नहीं गिरा दिए गए, और जो मतलब सड़कें बन रही थी जो उसके सड़कों के अंदर में थे वो गिराए हुए हैं और तो ठीक हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता जिनकी जिनके घर गिराए गए वहाँ पर उनको मुआवजा में नहीं मिला उस आधार से? नहीं नहीं, जिसके जैसे जो गवर्नमेंट में थे, जीएस जमीन थी, उनको नहीं मिला होगा और तो मिला है सबको। अच्छा, आपके हिसाब से अयोध्या में क्या कुछ खूबसूरत पहले से हो गया या जो बदलाव हुआ पहले से, क्या ज़्यादा बदलाव हो गया? बहुत सारी कानून व्यवस्था अच्छी हुई है और रोड रोड सड़कें वड़कें अच्छी बनी हुई हैं, और क्या कहते हैं जैसे अयोध्या में ज़्यादा विकास हुआ है, जो घाट वाट बन गए हैं और पानी वानी थोड़ा सफाई हो गई है, मंदिर भी बन रहा है, वो ये सब अच्छे अच्छी विकास हो रहा है। वहाँ का सांसद कौन है अयोध्या का? अयोध्या का सांसद तो लल्लू सिंह है अभी। लल्लू सिंह से कामों से प्रभावित हैं आप लोग? हाँ हाँ, सही हैं, अच्छा काम करते हैं। और हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, वो अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर के, वो भी अच्छा काम करते हैं। सड़कें कैसी आपके यहाँ? सड़कें ठीक हैं, अच्छी हैं, सड़कें तो बन रही हैं अभी सारी, पूरे अयोध्या में यू तो पूरी सारे सड़कों का वो हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या में युवाओं को रोज़गार मिलने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। किस सेक्टर में? अभी तो वो लखनऊ में वो भी हुआ था, क्या कहते हैं कि बिजनेस का सम्मेलन भी होता है, योगी जी ने करवाया था, तो आएंगे रोजगार आएंगे कुछ टाइम में। अयोध्या में आएंगे कि लखनऊ में आएंगे पूरे यूपी में आएंगे? नहीं, यूपी में आएंगे। 24 में क्या देखते हैं आप? 2024 में जो है मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा जो 2014 में 2019 में था। अभी इनको कड़ी टक्कर मिलेगी,
क्योंकि राहुल गांधी जी को इन्होंने दबाने का जो काम किया है, इनको कुचलने का, उसमें ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। अभी हम लोग जैसे नौकरी करते हैं, अगर हमारे पास 5000 है या 200 रुपये, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि ये 200 रुपये आपके पास कहाँ से आए, आप सिंपल सी बात है आप बता दो कि भैया मैं नौकरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, ये 200 रुपये वहाँ से लेके आया हूँ। अब राहुल गांधी जी ने सीधा यही तो पूछा कि भाई 20,000 करोड़ रुपये का हिसाब दे दो, बात ख़त्म, इसमें क्या वो ईडी लगाना और ये सब लगाना, जब इनको ईडी का कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा, ईडी लगा दी, पुलिस लगा दी, तब जाके इन्होंने ये झमेला इनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन ये राहुल गांधी का बयान आप देखें 2019 में था ना, ये 2019 में बोले थे, 2019 इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था गुजरात में, फिर जाके इनको इसमें FIR हुआ, फिर जाके इनको जेल हुई, लेकिन अभी फिलहाल वो बेल पे हैं। फिर आप देख लें कल ही जो है उनके पास 12 तारीख को पटना जो हाई कोर्ट है वहाँ से इनका नाम किया गया, वहाँ भी इनको 12 तारीख को पेश होना है। भैया देखो ऐसा है, BJP का एक ही वो है, विपक्ष को ख़त्म करना, इनका मोटिव ये है कि विपक्ष को ख़त्म करना, इन लोगों को बेरोजगारी, किसान, जिम्मेदार से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा आजकल किसान पिछ रहा है, आप देखोगे फसल की क्या हालत होगी, मैं खुद फार्मर हूँ, हरियाणा से हूँ, मेरा किसान बिल्कुल एकदम जीरो हो गया। पहले इन्होंने 850 घरों के चिराग बुझ गए, 850 किसान मरे, जब वो सक्सेसफुल ही नहीं होना था रूल तो वो क्यों लेके आए। फिर ये गुरु नानक जयंती पर आके माफ़ी मांगता है कि मैं किसानों को समझाने में अनसक्सेसफुल हो गया, लोगों ने बोला ये कानून वापस नहीं लेगा, नहीं नहीं जी ये तो मोदी है, ये तो कानून वापस ही नहीं लेता चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन हरियाणा पंजाब ने ऐसा इसको आईना दिखाया कि इसने आके वहाँ पे गुरु नानक जयंती पे इसने खुद माफ़ी मांगी देश के PM ने। और ये मेरे को नहीं लगता, ये युवाओं के हक में बिल्कुल जीरो नाकाम हो रहा है, बेरोजगारी। और देखो आज के टाइम में जो आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है वो समझ लो 2012 के 10,000 रुपये कमा रहा है। कोई आदमी अगर 30,000 रुपये सैलरी उठा रहा है कंपनी से तो वो आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है। महंगाई 400 का सिलेंडर यहाँ आज 1200-1300 रुपये में मिल रहा है। आटा देख लो 2,500 रुपये किलो आटा था, साला 50 रुपये किलो मिल रहा है। दाल का चना देख लो आप 80 रुपये KG से ऊपर हो गया है। तो क्या जो भी आदमी मर रहा है वो मध्यम वर्ग मर रहा है, ना अमीर मर रहा है ना गरीब मर रहा है, मध्यम वर्ग आजकल सबसे ज़्यादा पीस रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हो 24 लोकसभा चुनाव को, तो आपको लगता है विपक्ष एक साथ आएगा? विपक्ष को इसमें एक साथ आना चाहिए, लेकिन इसमें आने की जरूरत नहीं है, इसकी टक्कर सीधी कांग्रेस से है। कांग्रेस हर घर में कांग्रेस है, ये कांग्रेस को ये लोग नहीं कुचल सकते। आप किसी भी घर में ले लो, हर घर में एक कांग्रेस की वोट। तो कांग्रेस, अगर आप हर घर में कांग्रेस वोट आप बता रहे हैं, तो जो राहुल गांधी ने भी पैदल यात्रा की थी, अब उसके बाद इनकी अगर मान लीजिए इनके ऊपर केस होता है तो 8 साल ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो राहुल गांधी वैसे भी खुद चले गए राजनीति से, उस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो मैदान से बाहर हो या फ़र्क है, वो शहीद परिवार का है, उसके पिताजी ने देश के लिए बलिदान दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसके अंदर खून है, उनकी पीढ़ी, इनका एक कुत्ता भी शहीद हुआ देश के ऊपर, मुझे बता दो एक कुत्ता भी मरा हो BJP का देश के ऊपर, बताओ किस BJP के आदमी ने, किसने देश के स्वतंत्रता में वो किया हो बताओ मुझे, आके मुझे कोई भी आदमी एक बता दो कि BJP के आदमी ने, BJP में कौन सा एक भी इनका आदमी शहीद हुआ हो देश के लिए। अच्छा, ये जो सावरकर के ऊपर बयान दिए थे राहुल गांधी कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँगा, आपको लगता क्यों है मांगे भैया जब वो कोई गलती नहीं है। इन्होंने बोला कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँगा, तो आपको लगता है कि सावरकर के ऊपर बोलकर उनके ऊपर कटाक्ष कर वो ठीक है, जो भी उन्होंने बोला मैं उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ है वो माफ़ी क्यों मांगे। उन्होंने सीधा बोला भैया 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, बस आपके पास 200 रुपये आप हिसाब दे दीजिए, 20,000 करोड़ का हिसाब दे दो, पब्लिक को बता दो क्यों इतने झुमले। जो मोदी सरनेम लेके इन्होंने किसी एक व्यक्तिगत आप कह लें कि समुदाय या जात विशेष के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया था, आपकी नज़र में वो सही या गलत है? हाँ जी सॉरी, मोदी सरनेम लेके कि मतलब सारे चोर मोदी हैं, FIR तो उनको इसलिए हुआ? ये लोग एक ही काम है इनका, यहाँ से इंडिया से धन कमाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, विदेश में धन जमा करके फिर यहाँ आ जाते हैं। जितने भी उद्योगपति हैं सब ने अपने बैंक बैलेंस सब विदेशों में डाले हुए हैं। इनका अगर डालना है तो विजय माल्या को डालो, अडानी को डालो, अंबानी को डालो, गरीब आदमियों से क्या निकालेंगे ये लोग। राहुल गांधी विपक्ष को ख़त्म कर देंगे तो लोकतंत्र की आवाज़ दब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मतलब देखो विपक्ष पे आप सब तरह से, आम आदमी पार्टी पे भी और लालू जी की है जो नीतीश की, उस पर भी, सारी पार्टियों पे, मतलब ये नहीं कि मतलब तुम BJP को छोड़ के सारी पार्टियों को ED से, CBI से, सबको डराते रहे, धमकाते रहो, अपनों पे जो अपने हैं, अपने राजनीति के, उन पे भी तो कुछ एक्शन करो।
जब ही तो कुछ होगा कि निपक्ष हो रहा है, ये नहीं कि तुम दूसरी पार्टी इन पे विपक्ष पे तुम उन्हें घेरे जा रहे हो। अपने इनके लिए कुछ नहीं, अपने तुम्हारे सब दूध के धुले हैं। और लेकिन ये कार्रवाई तो सीबीआई या ईडी कर रही है ना, इसमें किसी पार्टी विशेष का हाथ लगता है भाई? इस चीज़ को सब जानते हैं कि राजनीति, जो हमारा कानून है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब तक राजनीति नहीं चाहेगी जब तक कुछ नहीं होगा कानून में। हमारा कानून है जो वो कानून राजनीति की मुट्ठी में है। जब तक राजनीति नहीं कहेगी या जो बैठे हैं सीटों पे बैठे हैं, जब तक वो फोकस नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, जब तक ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस ही लगा लो, अब नॉर्मली लगा लो, वो भी जब तक नहीं जाएगी, जब तक नेता का आदेश नहीं होगा जब तक नहीं जाएगी। ये चीज़ आप भी जानते हो। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि लालू घर थे, तो उनके घर थे तो लगभग 80 लाख रुपए मिले थे। ठीक है, मिले हैं। और उसके बाद आप ये भी देख ले कि उनके घर से करेंसी, कुछ विदेशी करेंसी मिली थी, लगभग 1.5 किलो सोना मिले थे। तो ये चीज़ें आई कहाँ से अगर उनके पास कुछ था नहीं? तो नेता के पास सबसे ज़्यादा काला धन तो नेताओं के पास ही है, वो कोई सी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का ही हो, जो भी A to Z है सब पे होना चाहिए ना वो। मैं ये कह रहा हूँ लालू घर से सब कुछ मिला, कांग्रेस के घर से सब कुछ मिला, पर बीजेपी के घर भी तो किसी जाके देखो किसी के नेता के घर की, भाई तुम्हारे घर भी कुछ है या नहीं है। तो 24 में क्या चाहते हैं आप? 24 में तो चाहते हैं कि मतलब कोई आदमी ऐसा आए जो देश के बारे में सोचे। मोदी देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं? सोच क्या रहे हैं, सोच रहे हैं वो अकेले के होने से नहीं, कि फिर सारी चीज़ लेके आए ना, उन चीज़ों को लेके आए साथ में। जो नीचे के हैं वो तो करप्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम सही हैं, इस तरीका से नहीं होता ना। तो मोदी नहीं आएंगे 24 में? आ भी सकते हैं, अगर जो अच्छा काम किया होगा, पब्लिक चाहती है तो आएंगे, जरूर आएंगे। पर ऐसा नहीं कि विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर दें, कि किसी की आवाज़ ही ना उठने दें, जो भी आवाज़ उठाए उसी पकड़ के बंद कर दो तुम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा में क्या माहौल दिखता है आपको लोकसभा को लेकर? अभी गठबंधन की सरकार बनी थी हरियाणा में, अभी बची है थोड़ी बहुत, अब के नहीं आएगी लोकसभा में, 24 लोकसभा में नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कौन पार्टी आएगी? मिली जुली सरकार आएगी, निपक्ष कोई नहीं आएगी। मतलब एक आपको लगता है विपक्ष एक साथ आएगा? एक साथ होने विपक्ष भी मतभेद है ना, कभी अखिलेश कहते हैं हम बनेंगे, कभी नीतीश कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी कि वो सोचे कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक को हरा दें, वो भी गलत है। उस चीज़ में ना आए, जो सही आदमी है वो आए सामने, उसको आप करो वेलकम है, कोई भी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, जो भी है, A to Z, अब मायावती जी हैं या जो भी और भी हैं पार्टियां, वो ख़त्म ही कर दी उन्होंने बिल्कुल। किसने ख़त्म कर दी? बीजेपी ने ख़त्म कर, बीजेपी ने मायावती ख़त्म कर दिया और क्या? बताओ किसने किया? अभी आप भाई से कहने लगो कि भैया मैं तुझे CBI से और उससे डरा रहा हूँ, अभी तो कौन ख़त्म करेगा? सरकार तो सत्ता में तो उन्हीं की है ना भाई। ये बड़ा आरोप लगाया भैया ने कि बीजेपी ने मायावती को ख़त्म कर दिया, मतलब आप कह रहे हैं कि बसपा को ख़त्म कर दिया, क्या लगता है आपको? देखो, बसपा ख़त्म हो गई अपने खुद के कारणों से, ठीक है, उसमें बीजेपी के ख़त्म करने का कोई रोल नहीं था। जिस तरीके से उस टाइम पे ये सब चला था कि दलितों के लिए इन्होंने जो भी किया, खैर जो भी पार्टी आती है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करती है, बट जिस तरीके से इन्होंने किया था कि सारा का सारा फोकस ही उनको पर कर दिया था, आम नागरिकों को बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम पर, तो मेरे हिसाब से वो अपने खुद जिम्मेदार हैं। तो आपको लगता है कि BSPF की कुछ सीटें लेके आएंगे लोकसभा में? उम्मीद बिल्कुल नहीं है। सरकार किसकी देखते हैं आप? ऐसे ही वो ला सकती हैं, और UP में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ला पाएंगी। किसको जाते हैं आप सरकार 2024, किसकी सरकार को लगती बनेगी? देखो, सरकार जैसा अभी तक माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो बीजेपी की आएगी, लेकिन विपक्ष एक साथ आ रहा है ना? विपक्ष ही खत्म हो रहा है, साथ कहाँ है? ख़त्म कौन कर रहा है विपक्ष को? भैया कह रहे हैं कि विपक्ष को लगातार मोदी और बीजेपी खत्म कर रही है, उनके पास शासन सत्ता है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, जब विपक्ष आपके अगेंस्ट खड़े होने लायक ही नहीं बचेगा तो कोई सामने कैसे आएगा? आप मीडिया में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको खुद एहसास हो गया होगा कि विपक्ष की कंडीशन कैसी है। जो मेन चेहरा है उनके ऊपर केस चल रहे हैं, खैर केस के लिए तो आप, मैं खुद भी काफ़ी हद तक मिली जुली सरकार से ही हूँ, बीजेपी से ही हूँ, बट लेकिन जो UP के अंदर केसेस हुए हैं, आई थिंक मीडिया ने वो केस भी दिखाए थे, बट उनका आज के टाइम में क्या चल रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, बाबा के बुलडोजर से कितना सहमत हैं आप? जिस तरीके से कोई अगर गलत काम करता है, पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ, लेकिन किसी घर को ऐसे गिरा देना, ऐसे उजाड़ देना तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। बुलडोजर से सहमत हूँ मैं, उनकी जो कार्यविधि है और जो तुरंत एक्शन वाला काम है ये बहुत अच्छा है, बट संपत्ति किसी की और के द्वारा बनाई गई हो उसको गिराना ये गलत भी है। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं हूँ जिला शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर में क्या हाल है, क्या माहौल है वहाँ पे 2024 चुनाव? शाहजहाँपुर में हमारे वित्त मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। विकास कहते हैं वहाँ पे, सड़कों का विकास कैसे है? सड़कों का विकास भी अच्छा है, और बिजली मिलती समय पे यार, जो सरकार लगातार कहती है 18-20 घंटे गाँव में बिजली आती है, बिल्कुल आ रही है।
लोगों को कोई शिकायत नहीं है पार्टी से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है और सरकार का काम भी यूपी के अंदर बेटर है। अखिलेश तो कहते हैं कोई काम नहीं जितने हमने, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड हो और चाहे आपका पूर्वांचल हो, कहते हैं हमने सब लेके आया, केवल आके योगी जी फीता काट के चले गए। अब ये तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने टाइम में की गई, ठीक है, पर होता क्या है कि जब सरकार बदलती है परियोजनाएँ तो वही रहती हैं, फीता उद्घाटन कोई भी करे, काम तो ऑलरेडी चाहे पुरानी गवर्नमेंट ने किया हो नई गवर्नमेंट ने किया हो, बट हाँ ओवरऑल पहले भी अखिलेश के टाइम पे भी काम अच्छा हुआ। और योगी जी के नाम बदलने वाली प्रक्रिया से कितना खुश हैं आप? देखिए एक इंडिविजुअल थिंकिंग है, मेरे हिसाब से नाम बदलने से जगह नहीं बदल जाएगी और वहाँ का ना ही वातावरण बदलेगा। अगर आप शाहजहाँपुर को कुछ और नाम दे दें तो जो लोग हैं वहाँ के वो तो नहीं बदल जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए या लखनऊ का नाम योगी जी बदलेंगे? ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है लखनऊ, वो बहुत ही पुराना है, ठीक है, तो उससे बदलना मेरे हिसाब से तो नहीं बदलना चाहिए, बाकी सरकार को जो सही लगता है। सरकार को जो सही लगता है, 24 में कौन आ रहा फिर? कंडीशन देख के तो यही लगता है कि बीजेपी संपूर्ण बहुमत से ही आएगी। भैया 24 में बीजेपी को लेके आ रहे हैं? सही कह रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। अभी मोदी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है भाई, 24 में ज़्यादा है उन्हीं का है। अच्छा, अपने भैया के ऊपर अभी आरोप लगाया कि बीएसपी को बीजेपी ने ख़त्म किया, तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ख़त्म करने वाली बात उनकी भी बात सही थी कि उन्होंने जो फोकस किया, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जो जितने भी पार्क बनाए, जैसे कि पार्क बनाए हाथी, उनमें फाउंडेशन बनाई, नोएडा में बनाई, लखनऊ में बनाई, उन चीज़ों से पब्लिक को लगा कि ये उसी एक जाति पे ही फोकस कर रही है, उस चीज़ का रोष ज़्यादा रहा। उसके बाद में MP का इलेक्शन भी हुआ, उसमें उनकी जीरो आई, तो मायावती जी को क्या डर था? डर यही तो था कि अगर जो मैं खुल के सामने, आपने भी देखा होगा और हम भी देख रहे हैं, वो खुल के सामने आई नहीं, वो डर यही तो था मेरे पे CBI या ED उसका अगर जो शिकंजा कसा तो मैं जेल में जाऊँ। जी बिल्कुल, लोगों को सुना आपने, लोगों को देखा आपने, कुछ लोग जहाँ बीजेपी की रणनीति से बहुत गुस्से हैं, योगी सरकार के कानून व्यवस्था बहुत गुस्से हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 2024 में जनता किसके तरफ जाएगी ये आने वाला वक्त यानी कि 2024 से बताएगा। कैमरामैन वसीम के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।